अब मान लेते हैं एक मिनट के लिए आपकी बॉडी प्रैक्टिकली सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। सपोज ये लो, आपकी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। कई लोग सोचते हैं कि सर्कुलर ऐसा है क्योंकि डायग्राम ऐसा है, नहीं ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कुछ भी अज्यूम कर लें। तो मान लें आपकी बॉडी सर्कल में अज्यूम घूम रही है। तो किसी ने बोला सर डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताएंगे। वो बोलता कि डिस्प्लेसमेंट बताओ मुझे, बॉडी ए से लेके बी तक पहुंच चुकी है, ए से लेके बी तक इन टाइम डेल्टा टी, ठीक है, टाइम T1 पे बॉडी चली थी, टाइम T2 पे बी पॉइंट पर पहुंच गई, तो टाइम इंटरवल क्या हुआ, T2 - T1 यानी कि डेल्टा टी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसमें, क्या लिखे डिस्प्लेसमेंट? कोई बोला थीटा, सेंटर पे निकलेगी डिस्प्लेसमेंट। तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि ठीक है, आप ही ने बताया ये सर्कुलर मोशन है तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स लेनी पड़ेंगी। मैंने कहा हाँ कह सकते हो। तो वो कहाँ होगी? वो कहता सेंटर पे लो। ठीक है, मैंने कहा सेंटर पे ले लेते हैं, ये ले सेंटर बन गया। तो कितनी? वो कहता एक काम करो, क्योंकि वो डेल्टा टी है तो ले लो यहाँ पर डेल्टा थीटा, ले लो थीटा, ले लो कुछ भी ले लो, बस एंगल बनेगा कुछ। तो ये क्या उसने बताई मुझे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताई। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब मैंने एक उस ड्राइवर से पूछा, ए से बी तक जो जा रहा है, और मान लो ए से लेके बी बहुत छोटा इंटरवल है, बहुत छोटा मतलब कि बहुत ही छोटा, लेकिन आपको कोई लग नहीं रहा, वो इसलिए लग नहीं रहा क्योंकि मेरे को आखिरी स्टूडेंट को दिखाना है कि ये उसको दिखे ही ना, पता लगे कि मैं यहाँ ए और बी ऐसे ले लूँगा, दिखेगा कैसे, वो बहुत छोटा हो जाएगा, डायग्राम बना नहीं पाऊंगा। तो ए भी बहुत छोटा इंटरवल है। तो वो कहता जी मैंने तो, मुझे तो पता ही नहीं डेल्टा थीटा। मैंने कहा वो कैसे? कहता सपोज करो मैंने ये एग्जाम्पल में ये अज्यूम किया कि आपने 50 किलोमीटर का चक्कर काटा पूरे शहर का, आपका रेडियस 50 किलोमीटर है, यहां से लेके पूरे ट्राई सिटी से भी ज्यादा बड़ा चक्कर काट रहे हो आप गाड़ी लेके। अब गाड़ी कैसे चलेगी? गोल सर्कल में आपको घुमाना है गाड़ी को, तो क्या करोगे? गाड़ी में बैठोगे, अभी सर्कल घुमा दोगे बैठ के घर से, तो गाड़ी यहीं चक्कर काट के यहीं खड़ी हो जाएगी। तो कैसे चलाओगे गाड़ी? कुछ देर सीधी चलाओगे, कुछ किलोमीटर तो सीधी भी चलेगी, फिर थोड़ी सी मुड़ेगी, फिर कुछ किलोमीटर सीधी चलेगी फिर मुड़ेगी, फिर कुछ किलोमीटर सीधी चलते हुए फिर मुड़ेगी, इस तरीके से इसका मोशन होगा। कोई डाउट इसमें? ऐसे ही है। तो यानी कि इसके अंदर जो गाड़ी चला रहा है वो ये मुझे ये बता रहा है कि सर मेरी डिस्प्लेसमेंट तो ये है। मैंने कहा ये क्या? कहता लीनियर है, सीधी, मैंने कुछ किलोमीटर गाड़ी को सीधा चलाया है, क्योंकि सर्कल ही बहुत बहुत बड़ा है, कई किलोमीटर बड़ा है। तो अगर ये सर्कल बहुत बड़ा है, इस बहुत बड़े का बहुत छोटा इंटरवल कभी गोल नहीं हो सकता, क्या होगा? स्ट्रेट होगा। सही है, अगर बहुत बड़ा चक्कर काटोगे तो कुछ लाइन तो स्ट्रेट भी जाएगी ना, तो आप उस लेवल पे काम कर रहे हो इसमें। अब वो स्टूडेंट कहता है कि देखो मेरे को नहीं पता कि कोई मेरा मेरे को, क्योंकि मेरे को तो कहा जा रहा है कि सीधा चल, फिर ड्राइवर कहता है इधर मुड़ इधर मुड़ इधर, मैं भी मुड़ता जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कोई मेरे साथ ऐसे खेल रहा है कि मुझे सर्कल में घुमा रहा है, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी में सीधी चला रहा हूँ, जब मुड़ आएगा मैं मुड़ भी जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा तेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो कहता देखो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो तो डेल्टा आर वेक्टर ही है, ये ग्रीन कलर का डेल्टा आर वेक्टर है। तो मैंने कहा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है? कहता हाँ मैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये पूरी गेम पता है कि हम इसको सर्कल में घुमा रहे हैं, और आप मुझे क्या कह रहे हो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब बात तो आप भी ठीक कह रहे हो, बात तो वो भी ठीक कह रहा है, दोनों चीज़ें ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है साइमल्टेनियसली वो दोनों मोशंस कवर करती है, लीनियर भी और एंगुलर भी, लीनियर भी और एंगुलर भी। अब देखने का तरीका, आप कैलकुलेशन किसके साथ करवाते हो? आप अगर लीनियर के साथ कैलकुलेशन करवाते हो तो आप डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बोल देना, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट एंगुलर के साथ करवाना चाहते हो तो डेल्टा थीटा बोल देना। इसका मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट दो दो हो रही हैं, पहली डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरी एंगुलर है, एंगुलर के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डेल्टा थीटा है। तो यहां तक आई होप सब सही एग्री करते हैं, दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं, सही है यहां तक? तो मैंने कहा फिर एक काम कर, जब तू यहां तक बात कर ही चुका है तो तू एक काम कर, इस डेल्टा आर को ना डेल्टा टी से डिवाइड कर दे, और ऐसी डेल्टा थीटा को भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दे।
तो मैंने कहा फिर क्या आएगा, वो कहता देखो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, मेरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट को अगर तुम टाइम से डिवाइड करोगे तो कौन सी वेलोसिटी आएगी, लीनियर वेलोसिटी, सिंबल बोलो वी वेक्टर, तो मेरे पास क्या आएगा, वी वेक्टर आएगा। और अगर डेल्टा थीटा को डेल्टा टी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ये बात समझ में आ रही है यहां तक? इसका मतलब ये भी सही हो गया कि इसमें वी और ओमेगा साइमल्टेनियसली दोनों इकट्ठे चलने वाले हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं और आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। अगर तो आप क्वेश्चन को सर्कल में देखते जा रहे हैं फिर तो आप अपना क्वेश्चन ओमेगा से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसके इंस्टेंट में चले गए, एक्चुअल में गाड़ी चलाने बैठ गए, फिर आपको लीनियर वेलोसिटी नजर आएगी, फिर आपको ओमेगा नजर ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब वी और ओमेगा दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, ये बात भी सही है। तो फिर मैंने पूछा कि एक बात बता कि ठीक है यार, ओमेगा तो समझ में आ गया, घूमने की वेलोसिटी है ओमेगा, तो तेरी घूमने की वेलोसिटी है ओमेगा, तो ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। ये वी तो वेक्टर है ना, और वी वेक्टर है, वी वेक्टर की डायरेक्शन बोल कहां पर है। उसने क्या बोला, क्योंकि वी वेक्टर किसका बना हुआ है, डेल्टा आर वेक्टर का, तो जो डायरेक्शन डेल्टा आर की है वही डायरेक्शन वी वेक्टर की भी है। तो मैंने कहा डायरेक्ट डेल्टा आर कहाँ है, तो देख लो वहां चलते हैं। तो डेल्टा आर की जो डायरेक्शन है वो ये रही, टेंजेंट है, देख रहे हो ये टेंजेंट है। तो उसने कहा देखो वी वेक्टर भी अगर आपने ड्रॉ करना है तो यहां पर क्या ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये आपके पास वी वेक्टर आ जाएगा, ये रहा आपका वी वेक्टर। तो आई होप अब समझ में आ रहा होगा। पिछली क्लास में जब मैं एक बॉडी को सर्कल में घुमाता था और किसी भी पॉइंट पर मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करता था, मैं हमेशा क्या ड्रॉ करता था, एक टेंजेंट, क्योंकि जब मैं एक पॉइंट लेता था उस पॉइंट को जब आप माइक्रोस्कोप से खोल के देखोगे तो ये दिखेगा आपको, और वैसे आपको कुछ ना दिखेगा। आज के बाद चैप्टर में माइक्रोस्कोप ले लेके ये थोड़ा बनाओगे डायग्राम, बस ये बनाओगे मैं पूछूंगा यहां वेलोसिटी क्या है, आपको कि ये रही वेलोसिटी, भी टेंजेंट है, लेकिन जब आप इसको खोल के देखोगे तो आपको ये दिखेगा अंदर से। समझ में आ रहा है? अब मैं इस छोटे डायग्राम को बना नहीं सकता ना, ये देखो ये कितना छोटा हो जाएगा, ये देखो कितना ही छोटा, यहां पर ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, इसको तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये डायग्राम बड़ा करके ऐसा दिखेगा आपको, पर मैं इस डायग्राम को ऐसा दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैंने ऐसा दिखाया। तो समझ में आ रहा है कि वी वेक्टर टेंजेंट क्यों होता है हमेशा, क्योंकि गाड़ी हमेशा कैसे जा रही है, टेंजेंशियल जा रही है। तो आप अगर कई किलोमीटर सीधे जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी तो ऐसी बनेगी ना, और अगर आप ना मुड़े, गोल ना मुड़े, फिर तो आप टेंजेंशियल सीधे चलते जाओगे, फिर आप मुड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको फोर्स लगी तभी मुड़े, अदरवाइज तो आप टेंजेंशियल सीधा चले जाओगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, सही है। तो लिखने जाओ तो प्लीज साथ में लिख लो, इसे नोट करते जाओ।